फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू पार्ट साला नेहा दस्ताड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ और काउंसलिंग की, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, मैं भी एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन और काउंसलिंग जो भी प्रोसेस है ये सब ऑनलाइन की थी। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और मेरी काउंसलिंग कैसे हुई थी ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन हो गई है आपकी, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, आपको अपना पासवर्ड याद होगा। जब आपकी कट ऑफ रिलीज होगी, अब ये कट ऑफ क्या है, तो एक नंबर रिलीज़ होगा, यानी कि बीए वालों के लिए अलग, बीकॉम के लिए अलग, बीएससी कोर्स के लिए अलग एक नंबर रिलीज़ होगा कि इस नंबर से इस कैटेगरी वाले बच्चे का एडमिशन इस तारीख को इतने बजे होगा। ठीक है, अब आपको देखना होगा क्या आप उस नंबर के अंदर आ रहे हैं। यदि आप उस नंबर के अंदर आ रहे हैं, ध्यान रखना है, कास्ट भी देखना है, उस नंबर के अंदर आ रहे हैं तो आपको जो डेट दी गई है, जो टाइम दिया गया है, उस डेट पर, उस टाइम पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइट पर जाना है। अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की साइट पर जाना है, आपको लॉगिन करना है। आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आपको अपने डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, रीचेक का भी ऑप्शन आएगा। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, अभी आपका ऑनलाइन हो रहा है तो आपको फ़ोटो कहीं पेस्ट करनी नहीं है। ओके, आपको आपका टीसी होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कास्ट के लिए डाला है तो वो आपके पास होना चाहिए, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ध्यान रखिए, ना डॉक्यूमेंट्स में बताया था। ओके, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आप देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, काउंसलिंग रुक जाएगी, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। काउंसलिंग की प्रोसेस तो प्रोसीड होगी लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको वहाँ पर अपलोड करना है, आपने बनवा लिया होगा उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। ओके, टीसी अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको भरना है, वो आपको मिल गया होगा प्रोस्पेक्टस में। ओके, नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे फिर आप प्रोसीड करेंगे। आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस फिल करने होंगे, जब उसमें आप सब्जेक्ट की प्रेफरेंस फिल करेंगे, तीन तीन का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, उनमें से आप एक एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। बीए वाले बच्चे हैं, ठीक है, जैसे आपने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ले लिया, किसी ने साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया। ओके, ध्यान रखिएगा, अदर कॉलेजेस में लाइक बीएचयू में आपको जो है एक आपको एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगा और एक आपको नॉर्मल हिस्ट्री मिलेगी, जिसमें आपको तीनों पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये है। वेल, इसके बाद आपका जब सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपने ले लिया, उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है, आपको एक मैसेज आता है कुछ टाइम के बाद, आपकी सीट अलॉट हो गई है और आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रेफरेंस सेलेक्ट किया था उसमें से एक प्रेफरेंस आपको अलॉट हो जाता है। उसके बाद आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी होती है। अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उस अकॉर्डिंग आपकी फ़ी पेमेंट होगी, अगर प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो उस अकॉर्डिंग आपकी फ़ी पेमेंट होगी, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उस अकॉर्डिंग आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। फाइनली जब आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा, फाइनली नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ओके, एफिलिएट कॉलेजेस में भी सेम यही प्रोसेस रहती है, यहाँ पर भी आपको लॉग इन करना है। ओके, जब आपकी कट ऑफ आएगी कि हाँ इस मार्क्स वाले बच्चे इस डेट को इतने बजे बुला, मतलब करना है काउंसलिंग, तो आप उस टाइम पर साइट पर जाएंगे, साइट पर जाने के बाद लॉगिन करेंगे, डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सीट अलॉट होगी आपको, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, एंड नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। ओके, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहती है काउंसलिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके, देखिए, मैंने आपको 200 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, उनकी लिस्ट आपको पहले बता दी है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर UPSC और फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ओके, क्योंकि जब आप BA कर रहे होते हो ना, तो आपका जो है केवल BA नहीं होता है, साथ में आपकी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो चल रही होती है। तो उस प्रिपरेशन में अगर आपके जो BA के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हो तो कितना सही होगा ना। तो ये जो सब्जेक्ट का चुनाव होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सोच समझ कर प्रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेने।
अब बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।